2024 चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी दलों ने अपने अपने तरीके से सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। वॉशिंग मशीन। वीडियो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी का है, जिसमें वो वॉशिंग मशीन के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। ममता बैनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करके लिखा गया कि भाजपा के राज में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्ष को लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होता है वो मेमने की तरह निर्दोष हो जाता है। यह है बीजेपी वॉशिंग मशीन का जादू। अब इस वीडियो को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला और लिखा कि दीदी ने भ्रष्टाचार की कालिक से पुते लोगों को भाजपा में शामिल होने पर सफेद पोश होकर बाहर निकालने वाली जिस भाजपाई वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाया है, उसका उत्तर प्रदेश में एडवांस मॉडल चल रहा है, जिसमें माफिया भी धुल जाते हैं और धोने वाला खुद भी। सरकार माफिया न सही तो ऐसे लोगों की सूची ही दे। बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर थे, उस दौरान उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से भी हुई थी, जिसके बाद सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि सपा ने फैसला किया है कि तृणमूल कांग्रेस और सपा भाजपा से लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे, जिसकी झलक 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिल गई थी। उस दौरान अखिलेश यादव ने ममता बैनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिसके बाद ममता बैनर्जी ने भी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के लिए प्रचार किया था। अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और दीदी की जोड़ी भाजपा को किस हद तक चोट पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।